शॉट की लाइनें याद करने लगते थे। अगला शॉट क्या भाइयों? ओटीटी एंड चिल करण के साथ। देखिए हर हफ्ते कुछ ना कुछ नए नए शोज आते हैं ओटीटी पर और सोचते हैं कि कौन सा देखे नहीं देखे, लेकिन जब नाम इतने बड़े हो, जब पूरी टीम इतनी बड़ी हो, तो ऐसा लगता है कि ये शो सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी में देखना चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर 1 सितंबर को रिलीज हो रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्रीलांसर का शो है। सो बिफोर वी टॉक अबाउट एवरीथिंग अबाउट द शो, लेकिन सबसे पहले सर आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोल दूं मैं। थैंक यू सो मच। बर्थडे भी था? कब था आपका बर्थडे? सर दो दिन पहले था। दो दिन पहले था? सर क्या 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 डिस्कवर कर रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ कब से इंटरव्यू चल रहे, कुछ ना कुछ डिस्कवरी। मतलब मिले तो आपका परसों बर्थडे था। जी सर। कैसा था मोहित भाई बर्थडे आपका? बहुत अच्छा था। इट वाज माय फर्स्ट बर्थडे विद माय बेबी एंड विद माय वाइफ। मैं उससे पहले मुझे समय में नहीं मिल पाया था, लास्ट 3 साल पहले कोविड था एंड देन आई वाज ऑक्यूपाइड। सो दिस टाइम अराउंड आई मेड श्योर दैट आई स्पेंड द डे विद देम। अच्छा, पार्टी भी की थी? नहीं सर, पार्टी बिल्कुल नहीं की। आई जस्ट टुक टाइम ऑफ और पूरा समय उनको दिया सर। अच्छा, ये पहली बार बच्चा केक काट रहा होगा, उसको समझ भी नहीं आ रहा। आपको कैसे पता लगा इनका बर्थडे? सर पता है सर, हम लोग का काम ही है सर ये। विश भी किया था रेडियो पे हमने मोहित का बर्थडे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने सुना नहीं उस दिन। तो सर कहीं शूट में होंगे आप थोड़े? नहीं नहीं, हम भी शूट करते। उनकी लाइफ का फ्रीलांसर हूँ। मोहित जी का मैं सोचता था, मैं मोहित जी के बहुत करीब हूँ। अच्छा, हम मिलते नहीं है मगर मैं सोचता था। अब मुझे लग रहा है कि मैं उनसे इतना दूर हूँ कि क्या बताऊँ मैं। बट नहीं, आप अच्छा बोलती हैं, मुझे अच्छा लगा आप इस हिसाब से बोलती हैं। अच्छा, इट्स नाइस, आई लाइक टू मीट पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन होपफुली लास्ट टाइम नॉट। ये कुछ इनसाइड जोक्स हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहे। नहीं नहीं, ये मैंने इनके मोहित जी की तरफ इशारा किया था। अच्छा, कि इनका बर्थडे था परसों। मैं तो लोगों को फोन कर करके बोलता हूँ मेरा बर्थडे है 1 महीना पहले। हाँ। भूलना नहीं, बट वो अलग किस्म के इंसान है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ आज से। anyway, आप फ्रीलांसर के बारे में सवाल करिए, नहीं तो ये बहुत गड़बड़ हो रहा है। अरे मजा आ रहा है सर, यही सब तो बातें हैं सर। फ्रीलांसर तो हम लोग सब देख ही लेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमारे यहाँ इंस्ट्रक्शन है, ये बीच में टोक देती हैं। अब सर आपको क्या पता चला? चलिए मोहित सर के बारे में क्या क्या पता चला ड्यूरिंग इंटरव्यूज? अभी अब कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं मोहित सर के साथ। मुझे काफी हम लोग तो शूट के बाद अभी मिले। अच्छा, आपको पता था इनका बर्थडे था? पता था सर। आपको पता था? आपने विश किया? मैं मैसेज तो डाला था। मैसेज भी डाला। सर आज एक स्टोरी कर देना इंस्टाग्राम पर बिलेटेड वाला। सर सवाल ही पैदा नहीं होता। बिलेटेड। मोहित भाई आप बता दीजिए, व्हाट डिड यू डिस्कवर ड्यूरिंग द इंटरव्यूज राइट नाउ? सुबह से चल रहे हैं, कल से चल रहे होंगे? वेट, डिस्कवर तो हम ऑब्वियसली जब बात करते हैं तो एक दूसरे के बारे में करते ही हैं। बट सर की शिकायत एक्चुअली पर्सनली मुझसे है कि मैं ज्यादा कुछ मतलब अपने बारे में सर मेरी खबरें सर तक मैं खुद नहीं पहुंचाता हूं, तो वो सर उसलिए मुझसे थोड़ा सा खफा है। उन्हें खफा नहीं होता? नहीं नहीं, आई मीन कि मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड है सर, बिकॉज मैं खुद उनको नहीं बता पाया ये सब। So I think आगे से I will make sure कि सर तक ये किसी न किसी तरीके से ये खबरें पहुंचा दूं। But yes, during the promotions we obviously get to spend a lot of time together. We get to know a lot more everyone. During the shooting of Freelancer, obviously whenever you are working, the atmosphere is very different. The race against time is different, you know, because we have to spend, we have to kind of फिनिश आर शूट इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, यू नो 12-14 घंटे में हमको वहाँ से निकलना होता है। सो एंड ड्यूरिंग फ्रीलांसर वी एक्सटेंसिवली शॉट दिस सीरीज इन मोरक्को। अच्छा, तो वहाँ पे हम लोगों ने इसको जब शूट किया तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके एक दूसरे के बारे में। वी डिड बिकॉज वी वेंट टू डिफरेंट डिफरेंट सिटीज ओवर देयर। बीच में हमारे पास ट्रैवलिंग टाइम होता था, बट उसमें भी बिकॉज इट वॉज अ वेरी हेक्टिक स्केड्यूल एंड यू नो द obviously Bhav being the captain of the ship, he had added responsibilities to look after. But as actors, हमारे तो बस limited responsibilities थी, so but the shoot was quite hectic. नहीं तो आप generally वैसे introvert हैं कि नहीं? वो generally वैसा ही होता है, introvert ही हैं। जी जी अच्छा अच्छा सर, आप किस introvert extrovert?
मैं सब कुछ हूँ, अभी क्या बोलूँ इसके बारे में. आई डोंट थिंक दीज आर वेरी क्वाइंड वर्ड्स. इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट डिपेंड करता है आपके सिचुएशन में हो, किन लोगों के साथ हो. कुछ लोगों के साथ आप इंट्रोवर्ट होते हुए भी एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, कुछ लोगों के साथ एक्सट्रोवर्ट होते हुए भी आप इंट्रोवर्ट रहना पसंद करते हैं. डिपेंड करता है आप किसके साथ वक्त गुजार रहे हैं, क्या हालात हैं, क्या आपके सिचुएशन है. कोई भी वैसा एक्सट्रोवर्ट नहीं हो कि बिना किसी बात के मैं चिल्लाना शुरू कर दूं. बट आई थिंक इफ यू आर योरसेल्फ दैट डिस्क्राइब्स यू. यू शुड बी एबल टू बी योरसेल्फ एंड is the most difficult and the easiest thing in the world is to be yourself. जैसे acting में अपने आप को portray करना सबसे मुश्किल है. अगर कोई बोले कि आप अनुपम खेर की acting करो तो वो समझ ही नहीं आता कि कैसे करें. But one should be nice as a person. One should enjoy live life. That's what my father used to say. Live life. So I try and do that. And another thing he used to say that the easiest thing in the world is to make somebody happy. So I just try and follow that. Happy ki baat kar rahe, kitne happy aap hai ab tak? I'm sure kuch na kuch aapne dekh liya hoga. Show kaisa bana hai, jab 1st September ko dekhenge tab. Dekh liya, inhone bana diya. 50 baar dekh liya. Rat gaya show. Ye tab jo aap soch ke utre the, shoot kiya, phir ab table pe dekh rahe hain, edit edit karke dekha hoga tab sab. To main aapko batata hu meri journey kya rahi hai. Ha. Mera Neeraj sir ke sath ye dusra collaboration. मैं एक्चुअली आप दोनों से एक ही क्वेश्चन पूछना ये वाला कि आप दोनों ने स्कीम में साइन किया नीरज सर के साथ कि सर हम लोग आपके साथ कुछ स्कीम दे रहे हैं. सर का तो अलग लीक है. मेरी शुरुआत है अभी. नहीं बट आपने भी किया होगा ना सर, 5 का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, एक काम करते हम लोग. आई विश ऐसा होता पर ऐसा है नहीं. और इतने सारे OTT भी है, एक अपना नेटफ्लिक्स हो गया, अब डिज्नी हॉटस्टार, फिर सोनी लिव है. नहीं तो मेरा जब मैं पहला कोलैबोरेशन जब मेरा नीरज सर के साथ था तब हमारे ऑफिस में एक बहुत रूमर फैला हुआ था कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है. अच्छा. डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ. और मैं अपने ऑफिस से देखता रहता था मोहित सर और अनुपम सर या सर से मिलते आ रहे जा रहे बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ा. ठीक है हम लोग भी कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है. बट व्हेन आई फिनिश्ड माय शूट नीरज सर शेयर्ड द स्क्रिप्ट ऑफ द फ्रीलांसर एंड ही वांटेड मी टू टेक इट फॉरवर्ड. क्या बात. दैट वाज अ बिग रिस्पांसिबिलिटी. व्हेन आई फर्स्ट रेड इट it was very overwhelming. The size of it, the story, मतलब इसके पहले मैं इंडिया में रहा, पहली बार मेरे को मोरक्को जैसी responsibility दी गई. The chance to tell an international story. We had crew members from all over the world. Actors apart from India, the core team. We had actors from the Middle East, America, UK, North Africa. फिर हमें पूरा ISIS create करना था वहाँ. तो उसके लिए वी कोलैबोरेटेड विद टेक्नीशियंस फ्रॉम द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ मोरक्को से. हमारा एक्शन डायरेक्टर फ्रांस का था, हमारा वेपन्स एक्सपर्ट इटली का था. तो देन वी हैड टू असेंबल दिस होल मैसिव टीम टू टेक दिस फॉरवर्ड. तो एकदम से आई वाज थ्रोन इनटू दिस. सो द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज कि जो पेपर में सर ने दिया है हमें इसको हाउ डू वी टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. वी पुट अ ग्रेट टीम टुगेदर. The cast we got with the crew members we got, you'll see the result on 1st September. Lovely. Sir, aapka jaise bata rahe kya deal hai? Because baby special 26, phir bahut sari hai, aap gin bhi nahi paoge. Kitni ho gayi hai? Wednesday yes, special 26 hai, baby hai, ye hai, Dhoni hai, Ayari hai, phir uske baad ab ye hai. Nahi, I think aap ye एक स्वीडिश डायरेक्टर हैं इंगमार्क बर्गमन. वो पूरी जिंदगी एक्टर्स के साथ ट्रेवल करते थे, एक्टर्स के साथ रहते थे, साल दो साल रहते थे विदाउट एनी स्क्रिप्ट. एंड उसके थ्रू फिर वो स्क्रिप्ट बनाते थे, चाहे वो वाइल्ड स्ट्रॉबेरी है, सेवन सीज हैं, सील्स हैं उनकी. तो आई थिंक वो एक कम्फर्ट लेवल होता है. सिनेमा इज सच ए पर्सनलाइज इमोशनल जर्नी दैट यू लाइक टू फील, यू फील कम्फर्टेबल विद सर्टन पीपल. आप उनके साथ ही काम करते हैं. मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्होंने महेश भर साहब के साथ 8 फिल्में की हैं. यश जी के साथ मैंने 11 फिल्में की हैं. सुभाष गई साहब के साथ 4 फिल्में की हैं मैंने. नीरज के साथ सातवां प्रोजेक्ट है. तो उसका रीज़न ये भी है कि ना केवल होपफुली नहीं, आई नो दैट आई एम ए गुड एक्टर, बट ऑल्सो दे लाइक मी एज ए पर्सन. आई थिंक आई ब्रिंग इन द सर्टन एनर्जी ऑन द सेट.
आई डोंट टेक माई सेल्फ सीरियसली, मैं कोई वेटरन लेजेंड थेस्पियन की तरह सेट पे नहीं जाता हूँ, मैं एक न्यू कमर की तरह जाता हूँ और मुझे लोगों को इकट्ठा करके रखना अच्छा लगता है। मैं अकेला खाना नहीं खाता कभी जिंदगी में। अच्छा, मैं कभी मैंने अकेले खाना नहीं खाया, बिकॉज माई ग्रैंड फादर यूज टू से द पर्सन हु ईट्स अलोन इज द लोनलीस्ट मैन ऑन अर्थ। तो मैं इसलिए लोगों को इकट्ठा करता रहता हूँ। अच्छा। मैं होटल में भी जाता हूँ तो अगर मेरा कोई दोस्त नहीं तो लॉबी मैनेजर के साथ खाना खाता हूँ। क्या बात है। तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स एंड आई थिंक इट्स अ जॉइंट जर्नी ऑफ लाइफ एंड जो जिंदगी में हम चीज़ें इकट्ठा करते हैं अपार्ट फ्रॉम कंफर्ट की चीज़ें, फ्लैट हो या गाड़ियाँ हो, इज ऑल्सो द रिलेशनशिप्स, हाउ मैनी पीपल इम्पैक्ट योर लाइफ एंड हाउ मैनी पीपल्स लाइफ यू इम्पैक्ट। तो दैट्स वॉट माई थियोरी ऑफ लाइफ इज, दैट्स वाई आई लाइक टू वर्क विद द पीपल हु आई लाइक। नीरज पांडे मुझे अभी, मैं तो उनको कहता हूँ कि आप मुझे हर किसी में भी खड़ा कर दीजिए, मैं भाला लेके खड़ा हो जाऊँगा। तो इतना हाँ सीरियसली इट्स वेरी फैसिनेटिंग। कल मिस्टर रॉबर्ट डिनीरो का बर्थडे था। वही सर, मैं तो वही बोलने वाला था कि सर मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि आपके साथ याद था। एंड पहली बात तो इनको रॉबर्ट डिनीरो बनने में टाइम लगेगा। नहीं, फिर भी सर उनका फैन, मैं इनका फैन नहीं हूँ। दूसरा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट आई हैव, इट इज मी हु हैज मेंटेन्ड द रिलेशनशिप विद हिम, इट्स मी हु सॉर्ट ऑफ is friends with David Russell, not because they are not interested, but unka culture nahi hai waisa. नहीं, बट सर कैसा लगता है, मतलब I'm sure आपके लिए थोड़ा मामूली बात होगा, जैसे मैं खुशकिस्मत हूँ आपके साथ ऐसा इंटरव्यू में स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहा हूँ, आप ऐसा ट्विटर पे जब लिखते हैं मेरे को भी ऐसा अच्छा लगता है। मैंने कल उनसे फोन पे बात बुला रहे हैं, मतलब ही एक्चुअली पिक्ड अप द फोन, मैंने उनसे फोन पे बात की तो मैं तो थोड़ा सा मैंने कहा हाँ, तो मतलब इट्स अ ग्रेट फीलिंग। जिनके पे, जिनकी फिल्म पर टैक्सी ड्राइवर और मेन स्ट्रीट्स पे मैंने कॉलेज मतलब ड्रामा स्कूल का प्रोजेक्ट किया था और जो मेरे हिसाब से जिसको मैं गॉड ऑफ एक्टिंग कहता हूँ, आपके फोन में उनका मैसेज है, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। तो आई थिंक दैट ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल से अरे तू भी तो अनुपम खेर है यहाँ का, आई अंडरस्टैंड दैट, बट मैं उनको देख कर पिछले इंटरव्यू में उन्होंने अच्छी बात कही कि मैंने डैडी देखी थी, इट्स बाय द वे माय फेवरेट फिल्म आल्सो ऑफ माइन, इन्होंने ये देखी थी। तो हमको भूलना नहीं चाहिए, जब मैं दिलीप साहब के साथ कर्मा में काम किया था तो मैं भूला थोड़ा कि इनकी फिल्म देखते देखते मैं ब्लैक में टिकट ले रहा था, ऐसे खड़े होकर तो नाक टूट गई थी मेरी, किसी ने ऐसे मार दिया था। वी कांट फॉरगेट व्हाट वी आर इनिशियल इमोशंस आर, तो दैट्स व्हाई नीरज पांडे इज एन इम्पॉर्टेंट person in my life, he is my more than a family member to me. Family members ke saath phir bhi open neech hoti hai, but unke saath mera rishta acha hai, Sheetal ke saath bhi, Mr. Sheetal Bhatia ke saath, dono acche dost hain hamare. Before I talk to you about this project, because sir aapne bahut acha ek baat kiya hai, jaise aapko acha lagta hai Robert De Niro ka message padke unka naam contact mein rakhe, aapke liye kaun sa hai, which name number aapke mobile phone mein jab flash hota hai aap khush ho jate hain? माता जी की नहीं नहीं, ऐसे कोई, he means professionally, अच्छा professional, कोई बड़ा मेरा स्टार हो, क्रिकेटर हो, स्पोर्ट्स, मेरा नंबर है ना आपके पास? जी सर, मैं अभी डायल करके देख लूंगा। सर है, बिल्कुल है सर, इनका फोन लाना जरा अभी चेक करेंगे वो लोग सर, कॉल करके देख रहे हैं इंटरव्यू में 100%। चलो यार ये हो गया ना भाई, देखते हैं कॉल आता है, बट आप बताइए आपके फोन में किसका मैसेज आया था जब आप खुश हो गए थे, व्हिच मैसेज मेड यू हैप्पी? For me, it will definitely be Neeraj sir. Acha. And sir. Vidya ma'am. Oh, lovely. Penny. ये सब बजेगा तो ही देखा। ये best है, मेरा world best interview हो रहा है ये। इस फोन में तो नहीं बज रहा, हाँ दूसरे में बज रहा, इसमें मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है, नहीं सर इसमें नंबर वो है, नाम क्यों नहीं बज रहा? ये चीटिंग है, क्यों चीटिंग है? ये चीटिंग है, सेम नेम है और बज नहीं रहा, वो नंबर ये देखा आपको इनके, सर ये चीटिंग है। ओके दोस्तों, मोहित भाई आप बताइए किसका मैसेज आपको देख के खुश हो गए थे ये लाइफ में? ये समय चाहते हैं कि जितनी जल्दी ये फोन बंद हो जाए, जितनी जल्दी ये इंटरव्यू बंद हो जाए उतना अच्छा है। नहीं बट आप बताइए कौन सा मैसेज देख के आप इतने सालों में जब काम कर रहे हैं, किसका मैसेज फोन आया था आप खुश हो गए थे देख के कि ये नंबर मेरे पास आ गया अभी इनका? I think genuinely Anupam sir ka ji, because I have his number and I am in touch with him on the phone. Obviously because sir ke paas mera dusra phone
जो नंबर है सर ने उस पर फोन किया अभी एंड बट अभी रिसेंटली मुझे ट्रेलर आने के बाद नीरज सर ने मैसेज किया था. नीरज सर आई थिंक इज नॉट अ वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन व्हेन इट कम्स टू मैसेजेस, तो उनका एक मैसेज आया था काम को लेके, तो वो मुझे बड़ा आई फेल्ट रियली रियली हैप्पी वॉचिंग दैट मैसेज. एंड मोमेंट अली मेरी एक सीरीज आई थी उसके वो सीरीज देखने के बाद मुझे विद्या बालन ने फोन किया था. आई थिंक वो उस सीरीज को देख के बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी और वो उसी दिन सीरीज देखने के बाद अपने हस्बैंड सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ वो लोग दोनों ड्राइव पे गए थे एंड दे ड्रोव अराउंड मुंबई बिकॉज दे बोथ आर फ्रॉम मुंबई बिकॉज दे लव द सिटी सो मच. तो उनका फोन आया था तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था. सो आई थिंक व्हेनेवर योर वर्क इज अप्रिशिएटेड यू ऑलवेज फील नाइस अबाउट इट. आपके लिए बिकॉज आई एम श्योर डाउन साउथ यू आर वेरी पॉपुलर, लेकिन ये आपको पूरे इंडिया में सब देखने वाले ये वाले शो के साथ बिकॉज एवरीबॉडी वॉचेस डिज्नी प्लस हॉटस्टार, व्हाट इज द रीजन कि आपने बोला कि ये वाला शो करना ही है मेरे को? ऐसा शो करने के लिए यू कैन लाइक हाउ डू आई फ्रेज दिस, तुम बस होप कर सकते हो कि ऐसा शो तुम्हारे पोर्टफोलियो में आए. यू डोंट रियली चूज शोज लाइक दैट, एटलीस्ट आई एम नॉट देयर इन माय करियर वेयर आई कैन चूज शोज लाइक दिस. व्हेन इट कम्स टू सच नेम्स लाइक नीरज सर, लाइक अनुपम सर, लाइक मोहित, इट्स अ विश फॉर मी दैट केम ट्रू. एंड आई वुड लाइक टू एक्चुअली से समथिंग टू व्हेन अनुपम सर वाज टॉकिंग और इवन इन द प्रीवियस इंटरव्यू व्हेन ही वाज टॉकिंग. Just struck me that I read somewhere that really powerful people have no problem in being humble. That's the feeling I got when I worked with Neeraj sir, when I am sitting here with Anupam sir. That's the feeling I get. Lovely. Last question, because ये show थोड़ा एकदम serious type है, बहुत सारी serious चीज होगी. जब cut होता है तब sir क्या fun होता था set पे? I'm sure कुछ ना कुछ हंसने के लिए अगले scene की अगले shot की लाइनें याद करने लगते थे. अगला शॉट क्या भाइयों? नहीं होता था, और कुछ नहीं होता. सर अभी थोड़ी आप ऐसे सब करेंगे, आप तो अब बस क्या सीन है बता दो. याददाश्त कोई मतलब कोई कंप्यूटर से थोड़ा होता है, याद तो करना पड़ता है ना डायलॉग. बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल नहीं. हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा कोई ऐसा ये एक परसेप्शन है कि एक्टर्स जो हैं बैठ के अभी शॉट लेते होंगे फिर याशी करते होंगे. इट्स द मोस्ट हार्ड वर्किंग प्रोफेशन इट इज, बट सर इतना सीरियस माहौल में थोड़ा तो यू नीड सम फन थिंग्स ना सर. कभी फन फन हो जाए, बातचीत करते हो गलती हो जाए तो सॉरी 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 वन मोर वो फन हो सकता है. यू नो नीरज सर डजंट लाइक हिज एक्टर्स फॉरगेटिंग हिज लाइंस. अच्छा हां हां वो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं एक दो बार भूल गया तो फिर मैं अपने रूम में आ गया था. नेक्स्ट सीन में उन्होंने अपने एडी को भेज दिया था कि जाओ इसको लाइंस करवा लो जरा. मेरे साथ बड़ा अच्छा किस्सा हुआ था. वेडनेसडे पे इतनी सारी लाइनें थी, बोलता जा रहा हूँ मैं ऐसे टीवी को देखते तो मुझे कहते हैं कि ब्रेक चाहिए आपको. तो मैंने कहा भाई साहब इधर आओ, 127 पेज का मैं वन मैन शो करता हूँ, मेरी याददाश्त पे कभी शक मत करना. ओके अब मैं जा रहा हूँ. मेरे के चलते हैं, I have to rush. अच्छा मेरे को लगा आप सीन वाला बोल रहे हैं. ओह सॉरी मेरे को लगा वेंसडे की बात चल रही, बट चलिए 1 सितंबर को फ्रीलांसर जरूर देखना डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे. और अभी नंबर भी सेव हो गया है, अब से बर्थडे विश जाएंगे. थैंक यू सो मच. मेरा नंबर सेव रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी.